बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर मैं मोहम्मद पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज जुम्मा 1 अप्रैल ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो लास्ट डे है। कल हमने देखा कि मार्केट जो है उसमें जो सेटलमेंट थी और जो उसकी क्लियरिंग थी वो मर्ज क्लियरिंग थी। थर्सडे को 31 मार्च को जिन लोगों ने शेयर्स परचेज किए उनकी सेटलमेंट होनी है ट्यूसडे को, और आज जो लोग शेयर परचेज करेंगे उनकी सेटलमेंट भी होनी है ट्यूसडे को। तो इस वजह से हमने देखा कि मार्केट में हमने एक तेज़ी विटनेस की, क्योंकि कल जो माल लेकर गए उनको सेटलमेंट जो देनी है वो ट्यूसडे को देनी है, और जबकि जुम्मे का दिन है उनके पास तो वो जुम्मे को जो है वो स्क्वायर करेंगे उस पोजिशन को। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के रेट जो है उसमें हम लोग जो है वो मुसलसल गिरावट देख रहे हैं। उसकी जो बुनियादी वजह नज़र आ रही है उसमें सबसे पहले हम देखें तो चाइना में जिस हिसाब से मामला चल रहे हैं लॉकडाउन के, चाइनीज़ की तरफ से डिमांड कम है। इसके अलावा हम देख रहे हैं जिस हिसाब से सेंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, तो जो ओपेक है ओपेक प्लस ने सप्लाई बढ़ा दी है, और यूएस ने भी जो है अपने रिजर्व्स हैं वो ऑफलोड किए हैं। तो ये सारी वजह थी, इस वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल नीचे आया है, जो कि लॉन्गर रन के लिए हमारे जो इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। इसके अलावा हम देखें तो हमारा पाक रुपी जो है मुसलसल डेप्रिशिएट कर रहा है, 183.48 रुपये चल रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और ये जो परसेंटेज इसने डेप्रिशिएट किया है वो है 0.46%। तो हमारा जो पाक रुपी है वो काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। कोल प्राइस, फ्यूचर पे कोल प्राइस का डेटा इस मुताबिक है 254.35 डॉलर चल रहा है। इसे जो लूज किया है -4.65 लूज किया है, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो -1.80% है। क्रूड ऑयल, WTI क्रूड ऑयल का डेटा इस मुताबिक है 100.33 डॉलर फी बैरल चल रहा है। इसे जो लूज किया है -7.49 डॉलर लूज किया है, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो -6.95% है। टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है, टेक्निकल डे चार्ट के हिसाब से हम देखें तो जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 45,943 पर है। वंस अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। ये जो मार्केट अभी हालिया भरी है पिछले जुमेरात से हम देखें तो ये बजाहिर आर्टिफिशियल मार्केट नजर आ रही है, आर्टिफिशियल मार्केट इन्फ्लेटेड नजर आ रही है। इसमें चंद ऐसे अनासर हैं, चंद ऐसे मामलात हैं जो चाह रहे हैं कि मौजूदा सेटअप जो है वो साइडलाइन हो और एक नया सेटअप आए। तो अगर नया सेटअप भी आना है तो उसकी भी पूरी टीम बनेगी, उसके भी पूरे मामला बनेंगे, कैबिनेट बनेगी, और जो अभी पॉलिसी चल रही है पॉलिसी में शिफ्टिंग होती है नहीं होती है, तो सारी चीज़ें लॉन्गर रन पे ये सारे पिक्चर्स देखना भी बाकी हैं। तो लिहाजा मोहतात होकर काम करें, स्पेकुलेशन से दूर रहें। काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव स्टॉक्स पर काम कराया जा रहा होता है। 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट मार्केट प्लस खुलती है और पूरा दिन उसी रेंज में मार्केट काम कर रही होती है। तो लिहाजा मोहतात होकर काम करें, उतना काम करें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं या जितने आप जो है इन्वेस्टमेंट को संभाल सकते हैं, अपने पोजीशन को संभाल सकते हैं। आर्ली चार्ट पर अगर हम देखें तो यही सपोर्ट जो बन रहा है वो 44,134 पर है। फीपीलीपी डेटा इस मुताबिक है, टोटल 5 बायर हैं जिनमें बैंक्स, कंपनी, इंडिविजुअल, NBFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन। सेलर में अगर हम देखें तो 6 सेलर हैं जिनमें ब्रोकर्स, फॉरन कॉर्पोरेट्स, फॉरन इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, ओवरसीज पाकिस्तानी। इंडेक्स रिलेशन मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 44,928 पर है। मार्केट ने 591 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 44,337 पर थी। टोटल 43 करोड़ शेयर का काम हुआ है जिसमें से 21 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 49.40% है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4.96 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.58 खरब रुपए की है। इजाफा 273 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 75 कंपनी है जबकि बरकरार 14 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.98% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.75% है। डे रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 44,337 का लो बनाया जबकि ऊपर 44,928 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,715 का लो बनाया जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 44,830 पर है जबकि दूसरा सपोर्ट 43,806 पर है। रेजिस्टेंस, जहाँ से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 45,943 पर है जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 46,586 पर है। CSF कैशल फ्यूचर डेटा वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज़्यादा काम हुआ है, 13 कंपनियाँ ऐसी हैं, इसमें से 2 हाई, 3 मॉडरेट।
DFC डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा पोजीशन खड़ी है, इसमें से 4 एक्सट्रीम, 1 हाई, 4 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इनहाउस बदला लोकल जबान में, 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खड़ा है, इसमें से 2 एक्सट्रीम, 1 हाई। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी काम नहीं हुआ है मर्ज क्लियरिंग की वजह से, सेटलमेंट की वजह से, इसमें से 2 एक्सट्रीम, 1 मॉडरेट। लो सेल स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 16 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 3 एक्सट्रीम, 1 मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है, टोटल 3 कंपनी है जो टेक्निकली ओवरबॉट है, इसके बरक्स अगर हम देखें तो 1 कंपनी है जो टेक्निकली डिस्काउंटेड है। ये था मार्केट का करंट डेटा, स्टॉक मार्केट से मुतालिक मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए तावानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करें। शुक्रिया।